बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए जो मंत्री बने हैं उनके ठिकाने भी अब कल देर शाम लिस्ट जारी कर दी गई है कि कौन कौन से मंत्री का कौन सा ठिकाना होगा। और ये तस्वीर है 3 स्टैंड रोड का, ये पटना 15 है। इसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी उप मुख्यमंत्री के हैसियत से रहा करती थी, लेकिन अब इस मकान में बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव रहेंगे। तो ये तस्वीर देखिए, तेज प्रताप यादव का ये नया ठिकाना है। तेज प्रताप यादव विधायक की हैसियत से अपने आवास पर रहा करते थे, लेकिन जैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, राजद कोटे से तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं। और कल देर शाम तमाम मंत्रियों के ठिकाने की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम है। तेज प्रताप यादव का 3 स्टैंड रोड जो है वो दिया गया है। यह आवास है, एक लंबी आवास आपको दिख रही होगी, इसमें रेणु देवी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं वो इस आवास में रहा करती थी। हालांकि नेम प्लेट भी हटा दिया गया है, जिस प्रकार से बिहार में सरकार बदली, सरकार के गणित बदले, उसके बाद तमाम जो आवास थे, जो मंत्रियों के आवास थे, उप मुख्यमंत्रियों के आवास थे, वहाँ पे पूर्व का जो नेम प्लेट लग गया था। लेकिन कल देर शाम जिस प्रकार से मंत्रियों के नए ठिकाने का ऐलान किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद तमाम जो नेम प्लेट है वो भी हट गए हैं। तो ये तस्वीर है 3 स्टैंड रोड का। ये इस आवास में तेज प्रताप यादव अब बिहार के मंत्री, एक बिहार सरकार में मंत्री होने की हैसियत से इस आवास में रहेंगे। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात है कि ये 3 स्टैंड रोड है और ये ठीक इको पार्क के सामने है। इको पार्क पटना का प्रसिद्ध पार्क है और इसके सामने जो है वो इस आवास में अब तेज प्रताप यादव जो है वो रहेंगे। तेज प्रताप यादव जब महागठबंधन की सरकार इससे पहले बिहार में बनी थी तो स्वास्थ्य मंत्री बने थे और इस बार वन एवं पर्यावरण मंत्री बने हैं। तेज प्रताप यादव मंत्री पद की शपथ लेने के साथ वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए, लगातार तमाम अधिकारियों के, विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते नज़र आए, दौरा करते नज़र आए, यहाँ तक कि अब अलग अलग कार्यालयों में जाकर स्पॉट पर जाकर चीज़ों को देखते और परखते, और यहाँ तक कि तमाम अधिकारियों को गाइड भी करते नज़र आए हैं कि अब काम जो है वो इस तरीके से करना है। पर्यावरण की बात कर ली जाए, चिड़ियाखाना भी वो गए थे, वहाँ पर भी तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया था। तो एक कह सकते हैं कि एक्टिव बहुत ज़्यादा नज़र तेज प्रताप यादव नज़र आ रहे थे। और यह आवास है, तेज प्रताप यादव का नया ठिकाना 3 स्टैंड रोड होगा। तेज प्रताप यादव अब मंत्री बन गए हैं और अब मंत्री बनने की हैसियत से जिसमें रेणु देवी रहा करती थी जिस आवास में, उसी आवास में अब तेज प्रताप यादव रहेंगे। तो तेज प्रताप यादव का नया ठिकाना आपको बता रहे हैं कि 3 स्टैंड रोड है, जो इको पार्क के ठीक बगल में है, ठीक सामने कह सकते हैं कि यह आवास है, और यहाँ पे अब तेज प्रताप यादव इसी आवास में रहेंगे।